स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज मैं पहुंच चुका हूं भाई हिमाचल प्रदेश के ऐसे खुफिया गांव को देखने के लिए जहां पर भारत का कोई कानून नहीं चलता है। आज जितना आप मैं बोला मुंह बंद करे, बंद करना इच्छा होगा ना, कैमरा बंद क्या हो गया? तू आगे चल, सरकार के बारे में मुंह बंद कर आगे चल। यहाँ नहीं सरकार चलती, बोलो ना सरकार क्या। तभी तो बात चलेगी भाई। मिला है भाई, इस स्थान को छूना सख्त मना है। अगर हम इस स्थान को छूते हैं तो भाई हमको ये भाई मेरे सामने इस गांव की भाई खुद की कोर्ट, खुद का संसद, तो अगर इस जगह को छूते हैं तो भाई यहां पर 3500 रुपए फाइन देना पड़ता है। अच्छा ये सुपर है, ये सुपर है, इसके क्या रेट है? अच्छा सबसे टॉप यहीं का है भाई। तो दुकान का मालिक होता है ना, वो ऐसे सामान को नीचे रखता है। वैसे हम यहाँ पे बैठ गए, गाँव वाँव वाले देखेंगे तो कुछ बोलेंगे नहीं क्या? नीचे तो फिर हमें छूने भी नहीं दे रहे थे। मोबाइल भी छीन सकते हो? ठीक है भाई, फिर तो भागते हो। बैग भी छीन लोगे? चलो भाई चलो, मन भागते भैया जी भागते। बोल रहे कि भाई यहाँ पर कैमरा वैमरा चलाना अलाउ नहीं है। भैया बोल रहे कैमरा वैमरा मत चलाओ। मतलब मेला वो था ना जिसमें अकबर की पूजा की जाती है। कितने तक है स्कूल यहाँ पर? पता नहीं आपको पता नहीं है मतलब? स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज मैं पहुंच चुका हूं भाई हिमाचल प्रदेश के ऐसे खुफिया गांव को देखने के लिए जहां पर भारत का कोई कानून नहीं चलता है। यूं तो आप में से अधिकतर लोग इस गांव के बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि यहां भारत का एक आइसोलेटेड और एक मिस्टीरियस विलेज है। और इस गांव को लेकर भाई काफ़ी सारी बातें, जैसे कि यहाँ के लोग अपने आप को अलेक्जेंडर का वंशज बताते, यहाँ के लोग अकबर की पूजा करते, इस गांव में हम किसी भी चीज़ या किसी भी व्यक्ति को नहीं छू सकते, इस गांव की भाई खुद की पार्लियामेंट है, और मतलब यहाँ के लोग भाई अपने देवता के हिसाब से चलते, क्या यहाँ बातें सच है भाई? ये सभी बातों का पता लगाने के लिए आज हम इस गांव के अंदर जाने वाले हैं। और ये है भाई वह मिस्टीरियस विलेज जिसका नाम है मलाना। वैसे इस गांव तक भाई कोई भी रोड नहीं जाती है क्योंकि मुझे लगता है इस गांव के लोग नहीं चाहते कि कोई भी व्हीकल ऊपर तक पहुंचे, इसीलिए इस गांव के लोगों ने 2 किलोमीटर का पतला सा ट्रैक बनाया हुआ है जिसको करके ऊपर पहुंचा जा सकता है। मुझे लगता है इस गांव के लोग खुद ही नहीं चाहते, वो भी हम ऊपर जाकर पहुंचेंगे कि क्यों नहीं चाहते, क्या गवर्नमेंट ने मतलब रोड बनाने की कोशिश नहीं की या उस इस गाँव के लोग खुद से नहीं चाहते? क्योंकि भाई यहाँ पर एक अव्वल दर्जे का व्यापार होता है, वो है नशे का व्यापार, शायद इसीलिए इस गाँव के लोग सड़क नहीं चाहते, तो वो भी हम ऊपर जाके जानेंगे। और इस ट्रिप में मेरे साथ है भाई मेरा दोस्त अमन, शायद इसको वे जानते होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों जानते होंगे। तो पहले चलते हैं भाई इस गांव को एक्सप्लोर करने के लिए और देखते और जानते हैं भाई। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब आपको दिखाते हैं भाई मलाना विलेज। और भाई ये देखो भाई, जैसे ही मैं थोड़ा आगे आया ना भाई, पूरा का पूरा घर भाई स्लाइड होके नीचे चला गया। और यहाँ से देखो साफ नजर आ रहा है भाई मलाना, और कैसे मलाना जाते हैं, कहाँ से मलाना का ट्रैक स्टार्ट होता है भाई, आज की वीडियो में आपको सब देखने के लिए मिलने वाला है। बस कुछ ही देर में हम ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं। और यहाँ से होता है भाई मलाना का ट्रैक स्टार्ट। देखो ये लिख रहा है वे टू मलाना विलेज, और यहाँ से ऐसे ट्रैक करते हुए हमें जाना है मलाना विलेज। भैया कितना टाइम लगता है वहाँ ऊपर मलाना तक पहुँचने में? इस ट्रैक से 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो भाई चलते हैं यहाँ से और पहुंचते भाई 1 घंटे में मलाना विलेज। वैसे ट्रैक अभी स्टार्ट ही किया था और हल्की हल्की बारिश आनी शुरू हो चुकी है। और ये भाई मलाना रिवर, और कुछ इस तरह का भाई ट्रैक है। देखो ये पतला सा ट्रैक है, इससे ऊपर जाना है भाई ऐसे 2 किलोमीटर कवर करके। हेलो कैसे हो आप सभी लोग, थक गए क्या? अरे थक गए हो क्या, थक गए हो? ये क्या कह रहे हो आप? हिंदी नहीं बोलते आप? नहीं आता ही हिंदी नहीं आता है आपको? अरे बाबा कैसे हो आप सब, ऊपर गांव जा रहे हो? अभी कहाँ से आए हो? अभी कहाँ से आए हो? दीदी भारी नहीं लग रहा आपको इतनी सारी लकड़ी आपके ऊपर? बहुत भारी है, क्या करना? हम लेके जाए, आपकी हेल्प कर सकते हैं? दे दो बिल्कुल लेके जा सकते हैं। अगर आप हमको ये लकड़ियाँ दो तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्या हुआ, आप बहुत खुश हो रहे हो क्या? वैसे ट्रैक बहुत डिफिकल्ट है लेकिन भाई पहाड़ी लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं जो मतलब ट्रैक को रोए। तो भाई हेलो कैसे हो? बढ़िया। अरे बहुत अच्छे लग रहे हो आप लोग, अभी कहाँ से आ रहे हो आप? यहाँ पर से। काम करते हो इधर? हाँ जी। ये आपका ट्रेडिशनल है, क्या पहना हुआ ये आपने? ये पट्टू। पट्टू? हाँ जी। अच्छा ये टैटू। भाई मतलब मलाना के लोगों को जितना मतलब
इधर ऐसा वैसा बोला जाता है, लेकिन क्या भैया जी क्या 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 ये बता रहे हैं आप, बताओ गलत होता है जो विमल आने के बारे में बोलते हैं लोग। हाँ ये आप बिल्कुल सही, क्या कह रहे हो भैया जी, ये कितने बोल रहे ना, क्या बोल रहे हैं आप बताओ, आप राइट बोल रहे ना, आप नीचे इनके लिए क्या किया आप लोगों ने, हम बताओ बताओ आप बताओ क्या, वही तो पूछ रहे हैं आप, तो मीडिया की तरह है क्या क्या, अरे राशन दिया नहीं, हाँ क्या दिया, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे रोड क्यों लाइव चला रहा, सुनो क्या दिया आप लोग, लाइव नहीं है भाई, पर किसी ने आप लोगों ने दिया इनको कुछ, नहीं नहीं हम तो घूमने आए हैं ना, तो टूरिस्ट एंजॉय लेना, लेकिन हम एंजॉय नहीं, लेकिन हम लाइव कहाँ चलेगा, अरे सुनो यार, सरकार ने वो बद्री वही बात कर, केजरीवाल ने भी कुछ नहीं दिया, क्या हो गया, तू आगे चल, सरकार के बारे में मुंह बंद कर, आगे चल, चलिए केजरीवाल ने क्या दिया, वही तो आप सरकार के बारे में कहो ना, हम चाहते हैं कौन है, यहाँ नहीं सरकार चलती, बोलो ना यहाँ चलती सरकार, ऋषि की तभी तो बात चलेगी भैया, आप जैसे नंगे आए नंगे जाएंगे, वही तो आप जितना आप, मैं बोल रहा मुंह बंद करे, बंद करना अच्छा होगा ना, कैमरा बंद कर, ठीक है ठीक है, कैमरा बंद कर, क्या ये बाहर के ये नहीं है ना, कैमरा बंद कर, वही तो बात, कैमरा बंद, आप इस गांव के नहीं हो ना, नहीं है ना, वो कैमरा बंद कर, कैमरा बंद, आप क्यों ऐसे बोल रहे हो, तो हाँ रुको जाने दो, जाने दो, हमारे गांव में नहीं बोलते हैं, अच्छा अच्छा आपके गांव में तो अच्छे से ही बात करते हैं ना, हम तो घूम भैया देखो हम आए घूमने के लिए, तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं ना, हम भी आपकी इज्जत कर रहे हैं, हम भी इज्जत कर रहे हैं, तेरे हाथ दो हाथ तो जोड़ रहे हैं, क्या नहीं हाथ मत जोड़ो, तेरे जूते में खाना थोड़े खाए जाओ, वो बात बिल्कुल सही है, आप चाहते हो कि बड़ा है ना, तो तेरी इज्जत कर रहे, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, तेरे जूते में खाना थोड़े खाए जाओ, क्या हो जाओगे यार, लेकिन बंद कर दो, वो ठीक है, जो आप तेरे जूते में खाना थोड़े खाएंगे, आप कहना है वो कह सकते हो, दिमाग में खराब कर हो गया, दिमाग खराब कहाँ कर रहे यार आपका, जान ऐसे जान, देखो हम घूमने के लिए आए यहाँ पे, तेरे साथ खड़े ना मैं भाई, थैंक यू, हम भी आपके साथ खड़े, हम देखो हम चाहते हैं कि भाई तुम्हारे को किस चीज की कमी, नहीं नहीं हम ही बताओ काम क्या तो क्या कमी है तुम्हारे को, बताओ करेंगे तो क्या ही कमी रहेगी यार, घूमने हाथ पे शांत होते ना, उसको नहीं किसी की, तो हम तो कुछ बोल ही नहीं, चल आगे चल, चलो चलो आप जाओ, राइट राइट में जाएंगे ना भाई जी, जा रहे भैया, गलत काम थोड़े करेंगे, क्या गलत, तो भाई हम भी कुछ नहीं, बाहर आके तो कोई दूसरे के घर का खाता ही नहीं है यार, सब पैसों खर्च करते, पैसा खर्च करके खाते है भाई, टेंशन नहीं लेता भाई कोई, और भाई गाँव की बहुत सारी प्यारी प्यारी लड़कियां ऊपर आ चुके हैं, देखो ये नीचे काम करके ऊपर वापस से अपने गांव जा रही है, हाय हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, बीर, बीर, ओके, एक्सप्लोर फॉर मलाना, हाउ वाज द फीलिंग फॉर मलाना, ओके ओके ओके, शंभू, शंभू का नाम बदनाम कर रहे हो भाई, बीर बिलिंग, हिमाचल से ही हो भाई, हिमाचल से ही यार वो लोग, और अभी भाई फाइनली पहुंच चुके हैं मलाना गांव के बेहद करीब, मतलब स्टार्टिंग के बाद मलाना गांव आ जाएगा, और स्टार्टिंग में देखो बहुत सुंदर सा झरना है भाई, देखो कितनी तेज पानी चल रहा है, और अभी पाँच से और चार से पाँच मिनट में हम गांव के बहुत करीब पहुंच जाएंगे, देखो सभी पहुंच चुके हैं, ये सब जितने भी हमारे साथ लड़कियां आ रही थी ये गांव पहुंच चुके हैं, और हम भी चलते हैं, सो भाई अभी पहुंच चुके हैं मलाना गांव के बिल्कुल करीब, देखो ट्रैक कुछ इस तरीके का था भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई ट्रैक करके, ट्रैक का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, और गांव के लोग मिले भाई, बात बात करते करते कब पहुंच गए अभी पता ही नहीं लगा, लेकिन सांस सिर्फ चढ़ गई थी बिल्कुल, तो अभी थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं फिर जाएंगे, और भाई देखो भाई सामने का व्यू भाई कितना सुंदर है यार, भाई गांव जितना डेंजरस है ना भाई उतना ही सुंदर भी है, देखो यहां से गांव स्टार्ट होता है, और कुछ ही देर में भाई गांव में एंटर करने वाले हैं, और वैसे थोड़ी ब्रीथिंग हो रही थी इसलिए थोड़ा यहाँ पर रेस्ट करने की सोची, तो कुछ ही देर में भाई गांव के अंदर चलते, तब देखते भाई क्या माहौल है भाई मलाना गांव के अंदर शाम के टाइम, अभी शाम के करीबन 6 बज रहे हैं, कैसे हो दीदी, नीचे से लकड़ी लेके आए हो आप, थके नहीं आप, तो रोज लेके आते होंगे ना, चलो वैसे रुको रुको, वैसे 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 आपका गाँव बहुत सुंदर है, लोग बोलते हैं उल्टा पुल्टा, लेकिन आपका गांव बहुत सुंदर है, क्या कहना चाहोगे अपने गांव के बारे में, हिंदी हिंदी नहीं आती, आता है इनको, इनको बोलो ना हिंदी, इंग्लिश भी आता है, एक बार बताओ ना आपका गांव कैसा है इंग्लिश में, बताओ ना,
कुछ भी बोल दो ना, कुछ भी। बहुत अच्छा है ना, हमें भी बहुत सुंदर लगा है, लेकिन लोग बहुत उल्टा उल्टा बोलते हैं आपके गांव के बारे में। उल्टा उल्टा बोलते हैं। ताऊ राम राम। ताऊ नींद आ रही है। ताऊ नींद आ रही है। देखो भाई, मतलब गांव में एंटर होते ही भाई वार्निंग नोटिस बोर्ड देखने के लिए मिला है भाई, इस स्थान को छूना सख्त मना है, अगर हम इस स्थान को छूते हैं तो भाई हमको दंडनीय अपराध दिया जाएगा। भाई स्टार्टिंग में भाई वार्निंग नोटिस बोर्ड हमें देखने के लिए मिल गया, तो देखते भाई अगर हमने गलती से किसी जगह को छू लिया तो भाई सच में भाई भारी हो जाएगा मामला। बहुत ध्यान से चलना है भाई इस गांव के अंदर। देखेंगे भाई, कोशिश करेंगे लोगों से बात करने की जितना हो सके उतना ज़्यादा। वैसे गांव की देखो कुछ ऐसी स्थिति है, पानी आ रहा है भाई पूरा भर के, और देखो थोड़ा गंदगी भी मतलब काफ़ी है इस गांव के अंदर। दीदी इसमें रह सकते हैं क्या? इसमें सामने वाले में इसमें रह सकते हैं क्या? अच्छा, ये रुकने के लिए ही है। गाँव के अंदर है ये, बाहर है गाँव से? ये किसी ने, बाहर के व्यक्ति ने बनाया होगा ना? ठीक है भाई, देखो ये होम स्टे है, इसमें रुक सकते हैं मतलब। और ये गांव है भाई मलाना, और भाई गांव के स्टार्टिंग में भाई मलाना माउंटेन व्यू के नाम से एक होम स्टे और रेस्टोरेंट है देखो। और यहां से भाई कुछ इस तरह का व्यू आता है, देखो सच में बहुत सुंदर लग रहा है व्यू तो। और ये है मलाना गाँव, ये भाई रेस्टोरेंट जिसमें आप खाना वाना खा सकते हो। रुकने की भाई सुविधा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब इतना भी वो नहीं है भाई, नीचे होम स्टे उसमें रुक सकते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। 800 रुपये में 3 लोग आराम से मस्त रुक सकते हैं और मलाना को देख सकते हैं अच्छे से। भाई ये क्या है भाई, बाप रे, ये पता नहीं भाई कहाँ का कंकाल है भाई। और अभी मैं पहुंच चुका हूँ भाई जमलू ऋषि जी के मंदिर के बेहद करीब, जो कि इनके बिल्कुल मेन देवता है। और यहाँ की कुछ लड़कियाँ भाई मंदिर के पास बैठकर पूजा कर रही है कुछ इस तरीके से। देखो ये सभी लड़कियाँ भाई पूजा कर रही है मतलब मंदिर के पास बैठकर। तो भाई यहाँ की लड़कियाँ कुछ इस तरीके से पूजा करती है अपने देवताओं की। अच्छा मैं पूछना चाहता हूँ, मतलब ये अभी आप लोग क्या कर रहे हो तो बता सकते हो? क्या गप्पे मार रहे हैं अभी? अरे नहीं, वो ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हो वहाँ पे? हाँ जागरण। अच्छा अच्छा, कल्चरल है मतलब देवता की पूजा करते हैं जैसे सब ना। अच्छा जमलू ऋषि जी की पूजा कर रहे हैं तो मैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, मतलब आप लड़कियाँ ही पूजा करती है क्या? बस किस लिए करते हो थोड़ा बताओगे? अच्छा जमलू ऋषि जी के लिए। ये गाना लगाना पड़ता है क्या? ये गाना लगाना पड़ता है रोज़। अच्छा रोज का, आप रोज करते हो? अप्रैल मार्च से अप्रैल तक, मार्च से अप्रैल तक एक महीना पूरा पूजा करते हो? शाम को रोज शाम को सभी गांव की पूरी लड़कियां इकट्ठी हो जाती है और सब ऐसे एक साथ पूजा करते हो? अभी हो गया मेला खत्म, मतलब मेला था यहाँ पे। अच्छा मेला था यहाँ पे, वो मतलब मेला वो था ना जिसमें अकबर की पूजा की जाती है? जी वो ये अच्छा। वो ही गाना ही आजकल। अच्छा अभी भी अकबर की पूजा कर रहे थे क्या तुम? जी। अच्छा ये बात है, ठीक है ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। हाँ नहीं जाएंगे तो हम अपने रास्ते ही, ये तो है कि जाएंगे तो हम अपने रास्ते ही, बस ये थोड़ा इसके गांव के बारे में जानना चाहते थे इसलिए यहाँ तक पहुँचे। वो इसीलिए हम यहाँ पे आए क्योंकि मतलब इसका अच्छा, मतलब जो गलत गलत बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं ना? ठीक है ठीक है, बोलते हैं ना लोगों के साथ छूते नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कुछ है। अच्छा मतलब लोगों को छू सकते हैं क्या? छू सकते, क्यों नहीं छू सकते आप लोगों को? अच्छा छू सकते हैं बस मंदिरों को, मंदिर और इधर उधर ऊपर मंदिर है या मंदिर है वो नहीं छू सकते, मंदिरों को नहीं छू सकते ना? हाँ उससे देवता मतलब गुस्सा हो जाते हैं कुछ ऐसा है ना? वो दीदी क्या बोल रही है ये बताओ पहले?
कोई मानते है मतलब कोई नहीं मानते ये। अच्छा 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 कोई बहुत छुपा छुप मानते ना कोई मानते है। ठीक है मतलब कोई भी छू सकता है बड़े मानते है ना और... इस लड़के तो नहीं मानते छोटे बड़े नहीं मानते ना यहाँ के मतलब जो बुजुर्ग होते हैं उन लोग बहुत मानते हैं छुपे छुपे बुजुर्ग लोग मानते हैं। अब जो न्यू जनरेशन है वो नहीं मानती ना। और मतलब आप जैसे कि आप लोग यहाँ पर रहते हो तो आप बाहर के लोगों से भी शादी कर सकते हो अपने गांव गांव में। नहीं भैया तक पहुँच गए मलाने के लड़के। अरे वाह सच में बहुत आगे पहुँच गए। मतलब जहाँ भी जो जाना चाहे वो जा सकता है कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। बस जो थोड़े ओल्ड एज लोग वो नहीं मानते सब कुछ ना। न्यू जनरेशन तो जैसे 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 मतलब छोटे जात के होते हैं उनसे नहीं बाकी सबसे कर सकते। अच्छा, अच्छा, अपनी अपनी ही कास्ट में शादी कर सकते हैं बस ना। तो आप लोग राजपूत मलाने की लड़कियां करते हैं पार्वती देवी में। अच्छा, पार्वती देवी में तो आप लोग राजपूत हो या ठाकुर हो? अच्छा आप ठाकुर हो। हाँ 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 बिल्कुल। तो भाई देखो बहुत सारे सवाल किए हमने इनके साथ। मतलब छू सकते हैं यहाँ पर मतलब लोगों को और शादी भी ये लोग बाहर कर सकते हैं गांव से बाहर भी कर सकते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। और भी सवाल है जो हम इन लोगों से जानना चाहेंगे। अच्छा अच्छा ये बताओ सुनो सुनो ये बताओ यहाँ पर स्कूल है क्या? स्कूल आप लोग पढ़ने के लिए जाते हो स्कूल? नहीं। आप लोग पढ़ने के लिए नहीं जाते हो? नहीं। कितने तक है स्कूल यहाँ पर? पता नहीं। आपको पता नहीं है? मतलब आपका मन नहीं करता कि पढ़ा भी जाए थोड़ा स्टडी मतलब की जाए? मेरा नहीं मन करता। अच्छा तो इसलिए आप स्कूल गए नहीं ना? नहीं। चलो कोई बात नहीं। आपका मन क्यों नहीं करता मतलब पढ़ने का? ऐसे ही मैं करती हूँ खुदाई। अरे मतलब वो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो फिर खुदाई उदाई भी नहीं करनी पड़ेगी क्या पता? मेरे को नहीं पढ़ना पसंद है क्या करना। अच्छा ये बात है। आप बताओ थोड़ा स्कूल के बारे में थोड़ा। सिस्टर आप बताओ मतलब यहाँ पर स्कूल कहाँ पे है? मतलब कौन सी क्लास तक है? ग्राउंड भी है वहाँ पे बड़े जैसे। क्या 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 है वहाँ पे? ग्राउंड है बड़े जैसे। अच्छा ग्राउंड। हाँ जी ग्राउंड से ऊपर स्कूल है। अच्छा ठीक है। कौन सी क्लास तक है? प्लस टू तक है ना? आप लोग पढ़ते हो? आपने कौन सी क्लास तक की पढ़े हैं? प्लस टू तक हुआ है। उसके बाद आगे आपका मतलब मन किया है पढ़ने का या नहीं? नीचे उतना बाहर नहीं। अच्छा फैमिली नहीं भेजना चाहती बाहर? अच्छा ये बात है। अच्छा अच्छा क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप कुछ भी ऐसा काम भी नहीं करना पड़ेगा फिर। अच्छा अच्छा ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है ना? सही बात है। अच्छा अच्छा तो मतलब अधिकतर बच्चे तो पढ़ते ही होंगे ना स्कूल में? हाँ जी पढ़ते हैं। कोई कोई पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते। पढ़ने वाले पढ़ते हैं जो नहीं पढ़ते तब क्या? जिनका मन करता है पढ़ने का वो पढ़ते हैं फिर बाद में बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए। कहाँ? कुल्लू? कुल्लू बुंदर बस। अच्छा आगे भी जाते हैं कोई जाने वाला? खुद के ऊपर है ना? ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से सभी से मिलके। थैंक यू सो मच। बाय बाय। नहीं बाय बाय सही है क्योंकि हम जा रहे हैं ना। बाय बाय। क्या वाचिंग ना? मैं मतलब उधर वाचिंग वेली ना कब होता क्या होता है उधर होता है? अच्छा। देखने के लिए वो तो जाएंगे ना इस मतलब मलाना के बाद जाएंगे ना वाचिंग वेली ना। अच्छा आप लोग हिंदी अच्छी तरीके से नहीं बोल पाते ना? नहीं। आप लोग हिंदी अच्छी तरीके से नहीं बोल पाते ना? बोल पाते हैं। ठीक है ठीक है फिर तो है ना। और शादी वादी का क्या होता है यहाँ पे? कहीं भी कर लेते हैं। अदर कास्ट में तो नहीं करते होंगे ना? बाहर के लोग जैसे कि मलाना की लड़कियाँ होगी ना और फिर बाहर से भी शादी करते हैं अलग गांव से? मतलब वो बाहर के नहीं होने चाहिए। अच्छा राजपूत छोटी जात नहीं का मेहमान? आप मैं आपके घर जाना चाहता हूँ पक्का। मेहमान बना सकते हो आप हमें? अरे उसके लिए तो धन्यवाद आपको दिल से सच। आज आपके घर पे हम खाएंगे ठीक है? ले जाओगी ना सही में? सही में लेके जा सकते हो हमें अपने घर? सही में। चलो मैगी का सब्जी। मैगी का सब्जी मतलब चलो मैगी का सब्जी ना
हमको हमको खाने से मतलब नहीं है, हमें इतनी रेस्पेक्ट मिल जाए हम बहुत खुश हो जाते हैं। हम तो बिना खाए भी रह लेते ऊपर पहाड़ों पे। अगर अगर हमें घर लेके जाओगे तो पापा लोग मारेंगे आपके मम्मी को, कुछ नहीं बोलेंगे? क्या गर्म हो जाते मतलब गुस्सा हो जाते हैं ना पापा? क्या बोले गरम? अच्छा खुश हो जाएंगे सच में? ये जो मतलब लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई ना ये दूर हो जाएगी ऐसे तो, और वो बहुत अच्छा रहेगा। चिंता मत करो हो जाएगा। हम पूछना चाहोगे हमारे बारे में? हमारी लैंग्वेज से कहाँ के लग रहे हैं हम? दिल्ली साइड के, दिल्ली से ना आए हम, हरियाणा से। सही पकड़ रहे हो, अरुणाचल प्रदेश पता है ना? अरुणाचल प्रदेश जानते हो? नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश जानते हो? भाई हम थोड़ा लेट आए ना यहाँ इस गांव को एक्सप्लोर करने के लिए, इसीलिए अभी देखो पूरी शाम हो चुकी है। लेकिन भाई देखो गांव के लोग कैसे अपने गांव में रहते आग वाग जला के सेक रहे, देखो कितना सुंदर लग रहा है यार। सभी लोग यहाँ पर ऐसे इकट्ठा होके अपना एक साथ खेल रहे है भाई, मतलब पूरा एकदम जबरदस्त वाला गाँव है भाई, एकदम जबरदस्त वाला। तो भाई घूमते घूमते तो पूरा अंधेरा हो चुका है और कैंपिंग भी हमें यहीं कहीं आसपास करनी पड़ेगी, और हमारे पास भाई कुछ खाने का मतलब बनाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो पास में ये दुकान है इससे कुछ सामान खरीदेंगे और उसके बाद भाई कैंपिंग करेंगे। और मैंने सुना है भाई सामान वामान लेने के लिए पैसे नीचे रखने पड़ते और सामान उसके बाद वो लोग नीचे रखते हैं, तो देखते भाई पता करके कि क्या सच में यह है या नहीं। तो भाई अभी दुकान पर पहुंच चुके और यहाँ से भाई खाने पीने का सामान लेते। ये कितने का है? कितने का है भाई चावल भैया? चावल 250 के देसी चावल है। मैगी मैगी वैगी है ना आपके पास? मैगी कितने का है? 10 का एक पैकेट है ना? हाँ तो ठीक है मैगी कर दो आप। और भैया ये बताओ वो छूने मुने का क्या है, छू सकते है क्या? अच्छा कास्ट की वजह से ना, तो पैसे वैसे पैसे का कैसे करना पड़ेगा आपको? हाथ में देने पड़ेंगे या नीचे रखने पड़ेंगे? अच्छा डब्बे वब्बे के ऊपर रख दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है ठीक है। अच्छा चावल जो कहाँ का है? ये भाई मनाली का है। मनाली का है, रेड चावल है। इसको 250 का एक किलो है। ठीक है ठीक है। मलाना वाले को भी यही रेट? देसी चावल नहीं है वैसा, यही ये देसी है, प्योर देसी है भाई। प्योर देसी है, आप भी खाते हुए? ठीक है बताओ भाई अमन क्या क्या लेना है भाई? चावल तो नहीं लेंगे, मैगी वगैरह लेके चलते हैं क्योंकि बर्तन भी नहीं है ना अपने पास। भाई मैं बर्तन ले आया नहीं यार, मैंने सोचा नहीं कैंपिंग करना पड़ेगा। चलो यहाँ से मैगी वगैरह लेके अभी चलते हैं। हाँ और क्या ना, उसी अपना मैगी वैगी से कर लेंगे भाई आज का, बाकी कल देखते हैं। दुकान से सामान लेते हैं उसके बाद चलते भाई किसी कैंपिंग स्पॉट पे। कैसे हो आप सभी लोग? मस्त एकदम भाई। यहाँ के लोगों की एक बात है, अगर थोड़ा सा भी मतलब कैमरा दिखाओ तो हंसने लगते भाई। देखो हंस के दिखाओ एक बार और ना। सही है, आप भी सामान वामान लेने के लिए आए दुकान पे? जी। ये आप ही की दुकान है ये? अभी भाई समझ में नहीं आ रहा कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, लेकिन कोई नहीं भाई सामान लेके चलते हैं। तो भाई घूमते घूमते तो पूरी रात हो चुकी थी क्योंकि काफी लेट निकले थे भाई मलाना को एक्सप्लोर करने के लिए। और भाई जब गांव के लोगों को बोला कि हमें कैंप लगाना है, तो भाई गांव के लोगों ने भाई गांव के अंदर तो कैंप लगाने से साफ मना कर दिया था भाई, इसीलिए एक गांव से बाहर आ गए और यहां पर भाई कैंप लगा लिया। अपने अमन भाई अंदर घुसे हो भाई। स्वागत है आपका मलाना के अंदर भाई, कैंपिंग करने वाले फर्स्ट बंदे होंगे हम। बिल्कुल भाई बिल्कुल। क्या बोल लेते भाई गांव के लोग? गांव के लोगों ने तो साफ मना कर दिया, और जो हमने ये पानी वानी खरीदा था तो उस दुकान पे तो भाई उसने इतना भेदभाव नहीं किया, लेकिन दूसरे दुकान पे जब हम टमाटर वगैरह सब्जी लेने गए, मटर वगैरह लेने के लिए गए, यहाँ भी देख सकते भाई सामान लेके आया बिल्कुल, तो भाई पूरा सामान को नीचे रख दिया और पैसे भी नीचे रख दिया। वो क्लिप आपको देखने को मिल जाएंगी पीयूष भाई की। भाई बिल्कुल भाई सिस्टम बहुत खतरनाक है। और यहाँ पे हमने हमें पता लगा कि ट्रैक वगैरह भी है भाई, तो कल आपको सारा कुछ दिखाएंगे। अभी टॉप में है गांव के, तो यहाँ से कल सुबह व्यू दिखाएंगे आपको पीयूष भाई। वैसे भाई बहुत मजा आ रहा है, मलाना पे पहला बंदा हम होंगे जो कि टेंट लगा रहे हैं अभी भाई। हाँ भाई पहले बंदे ऐसे हमें जो भाई मलाना के मतलब गांव के ठीक पास में, बिल्कुल पास में भाई गांव ये रहा भाई, ये पूरे घर वर भाई मलाना की, देखो ये घर मलाना का है और ये नीचे भाई पूरा गांव मलाना है भाई, और यहाँ टॉप पे भाई हमने कैंप लगा ही रखा है। तो पहले हम ऐसे बंदे भाई जो मलाना गांव के मतलब करीब में, मतलब मलाना गांव में भाई कैंप लगा के रह रहे, तो अभी कुकिंग वुकिंग करते और उसके बाद भाई खाते वाते फिर सोते भाई। भाई आज मलाना पर कैंपिंग करते हुए हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, हमारे पास ब्यूटेन तो था लेकिन ये भाई इतना ख़राब चल रहा है ना, पूरे आधा घंटा भाई अंदर ही रहा
और बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चला। देखो इसमें मतलब अच्छे से फ्लेम नहीं चल पा रहा है, इसकी वजह से भाई हमें यहाँ पर आग जलानी पड़ी है। देखो आग जला के हमारे हम मैगी बना रहे हैं। और भाई मलाना वालों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमने यहाँ पर पूछ कर ही आग जलाई, कभी आप भाई कमेंट में हमें कुछ बोलो। तो अभी कुछ ही देर में हमारी मैगी रेडी हो चुकी है और मैगी जो बना रहे हैं हमारे अमन भाई बना रहे हैं। भाई बहुत देर से कोशिश में लगे हुए बेचारे, भाई बहुत मुश्किल, बहुत स्ट्रगल हो गया ना आज मैगी बनाने। दो मिनट में पक जाता है कहते हैं प्रचार में, लेकिन भाई ये अभी घंटों से भी ऊपर हो गया, एक घंटा हो चुका है मैगी बना रहे, लेकिन शायद अब बन चुका है ना, अब तो हो गया भाई, देखो रेडी हो चुका है। अब तो रेडी हो चुका है भाई, अब टेंशन नहीं है, तो अब ये बन गया, बस इसको खा के सो जाएंगे। तो भाई मैगी हमारा बन के रेडी हो चुका है और भाई अमन भाई ने एक नंबर की मैगी बनाई है। हाँ भाई आज मैगी बनाने में थोड़ा संघर्ष ज़्यादा करना पड़ा क्योंकि हमारा ब्यूटेन अच्छे से काम नहीं कर रहा था, लेकिन भाई ज़बरदस्त मैगी बनाई है अमन भाई ने। देखो तो अभी मैगी वैगी खाते भाई मस्त अच्छे से, और उसके बाद आराम से भाई सोएंगे यहाँ पर कैंप के अंदर मलाना गाँव में। भाई फर्स्ट ऐसे मतलब हम पहले ऐसे इंसान है जो कैंपिंग कर रहे हो, और ये भाई फुल कैंपिंग है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ गया यार, देख सकते हो मैगी भाई। थैंक यू यार भाई, इतना मस्त बना के खिलाया यार, थैंक यू सो मच। तो ठीक है भाई, एक नंबर है भाई। तो सुबह को मिलते हैं, और सुबह को भाई मलाना गांव को भाई इतने अच्छे से एक्सप्लोर करना है ना भाई, बस बस भाई बस आप वीडियो में एंड तक बने रहो, मलाना गांव को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो देखो कितनी सुंदर जगह पे हमने रात टेंट पिच किया था भाई, ये है मलाना गांव। हालांकि गांव के अंदर भाई टेंट वैंट नहीं लगा सकते क्योंकि आपको पता ही है भाई गांव के मतलब कितने स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशंस है, तो वहां पर तो हम टेंट वैंट नहीं लगा सकते, इसलिए हमने यहां पर साइड में टेंट पिच किया था। और देखो कितनी सुंदर जगह है भाई, क्या व्यू है देखो चारों ओर का, एकदम जबरदस्त नज़ारा है। और उधर से भाई कोई ट्रैक भी जाता है जिसका नाम है चंद्रखानी, और यहाँ पर ये साइड में कैफे वैफे बने हुए जिनमें आप रह सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी यहाँ से अपने टेंट को भाई पूरा पैक करके चलते हैं नीचे मलाना गांव में, क्योंकि हमारे बहुत सारे सवाल बचे हुए जिनको हम जानना चाहेंगे। रात बहुत लेट हो गए थे तो अच्छी तरीके से ना एक्सप्लोर कर पाए और ना लोगों से बात कर पाए, और अभी चलते हैं नीचे, अच्छी तरीके से लोगों से बात भी करेंगे, जो जो हमारे सवाल है वो भी पूछेंगे, तभी तो आपको अच्छी तरीके से पता चल पाएगा मलाना गांव के बारे में। तो अभी नीचे चलते भाई। भाई जैसे ही मैं ऊपर से नीचे आना तो पूरे रास्ते पर मुझे एक ही चीज़ देखने के लिए मिली है भाई, यहाँ के लोगों ने भाई बिल्कुल भी सफाई के ऊपर ध्यान नहीं रखा हुआ है। देखो कितनी गंदगी फैली हुई है भाई गांव के रास्तों पर, भाई साहब मतलब पहाड़ों पर गांव बहुत सुंदर होते हैं, तो यहाँ के गांव के लोगों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए सफाई के ऊपर। भाई जी कैसे हो? भाई जी गंदगी बहुत फैली हुई है रास्तों पर, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? कोई बात नहीं। अच्छा नहीं, इससे तो थोड़ा बीमारी का खतरा रहता है ना, वही तो ना, थोड़ा गाँव वालों को ध्यान देना चाहिए, सफाई वफाई खुद से रखनी चाहिए। क्या भैया जी? अच्छा अच्छा, आप कहीं और से हो हैं? ठीक है ठीक है, कोई नहीं। लेकिन भाई मैं भी फिर भी यही कहना चाहूँगा, यहाँ के लोगों को भाई सफाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देखो भाई रास्ता तो भाई चलने का पूरा गंदा होया पड़ा है भाई, नाली वाली कुछ नहीं है, ऐसे ही सड़कों पर रास्ते पर ही पानी बह रहा है पूरा। तो मैं भी पहुँच चुका हूँ भाई मलाना गाँव के बिल्कुल बीच में, ये है जमदाग्नि ऋषि जी का मंदिर, और ये भी मंदिर है और ये भी मंदिर है। ये भाई मेरे सामने इस गांव की भाई खुद की कोर्ट, खुद का संसद, जहां पर ये लोग मतलब खुद से ही फैसला करते हैं। आप देख सकते हो अगर इस जगह को छूते तो भाई यहां पर 3500 रुपये फाइन देना पड़ता है। ठीक है भाई जी, देखो बोल रहे कि भाई यहाँ पर कैमरा वैमरा चलाना अलाउ नहीं है, भैया बोल रहे कैमरा वैमरा मत चलाओ, लेकिन अभी सभी लोग देखो भाई कैसे यहाँ पर बैठे हुए, देखो सभी गाँव के लोग यहाँ पर पार्लियामेंट के पास में बैठे हुए, कोर्ट यानी कि पार्लियामेंट के पास में सभी लोग बाहर बैठे हैं। देखो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और जो भी कस्टमर मिलता है उसको माल दे दो। भाई अभी एक बंदा मिला जो हमें माल दिखाएगा, देखना। अच्छा इसके क्या रेट है? 7000 रुपये का एक पैकेट। इससे कम नहीं होगा 7000 से? लेना देना की बात करके होगा। सबसे कम कितने का? सबसे कम कितने का देते हो यहाँ पे? ये पड़ेगा मीडियम, 35। कितना? 35। 3500 रुपये तोला। 35। कितने ग्राम होगा एक तोले में? 10 ग्राम। 10 ग्राम है, 3500 तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। निकाल के भी देते हो क्या? कम भी देते हो? पूरा तोला देते हो? पक्का यहीं का है ना ये मलाना का? ये क्रीम है ना? हां बिल्कुल असली क्रीम है। खुद का निकाला हुआ है? हैं खुद का निकाला हुआ है? खुद का निकाला है। अच्छा इसका आदमी काम नहीं करता है, खाई नहीं यहां तोला। अरे हां
अभी तो बुआई चल रही है ना, बुआई चल रही है ना अभी तो, अभी नया बुआई चल रहा है ना, अभी डाल रहे हैं ना। कौन से महीने में निकाल दो? अगस्त से बार बार भाई देख लो, पकड़ के देखना एक बार अच्छे से, अच्छे तरह से पकड़ के देखो भाई अच्छे से, क्या चिंता करते हो। दिखाओ मेरे को, दिखाओ सही सही लग रहा है मेरे को, दिखाओ भाई प्योर है ना। क्या क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, वीड है ना, ये वीड क्रीम है ना, क्रीम है, मीडियम क्रीम है, ये सुपर है। अच्छा वो सुपर ही मीडियम है, एक बार चढ़ाने पे कितने दिन तक उतरेगा नहीं ऐसा थोड़ा ही ना होता है, एक घंटा चलेगा, बस एक घंटा के 3500 देना है ना। बाप रे, ये मीडियम का मतलब क्या रहता है, तुम मीडियम में कैसे, मीडियम कैसे बनाते हो? देखो ना हम इसमें कितना चमक है, कितना मतलब क्या नाम है। अच्छा अच्छा वो दिखाना सुपर वाला, देखना ही तो पता लगता है। हाँ देख के ही पता लगता है ना, सुपर मीडियम हाथ से बनाया होगा ना पूरा, हाथ से देखा भाई, भाई देख लो भाई, पैसे भी देख लो एक बार, पकड़ो दादा एक बार, ये तो रस्सा रस्सा भाई है, ये तो रस्सा रस्सा ऊपर से आते समय आएंगे, जट में रहेगा तो यहाँ पे से ऊपर से आते समय ना उधर निकलना साइड से, ठीक है ठीक है दादा, अभी जाएंगे उससे इससे 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 कम नहीं, इससे कम नहीं देते 3500 रुपये ना, ये 5-4 ग्राम नहीं देते क्या? एक काम करो तुम, मुझे रहन दो भाई, अभी अभी रहने दो, अभी तो ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना अभी, आज समय देखते हैं, ठीक है जी, थैंक यू धन्यवाद, मिल तो यहाँ से कहीं से भी जाएगा ना। अच्छा मलानी मलानी कहीं हो, ठीक है सही, दिखाओ देख क्या क्वालिटी, दिखाओ मीडियम में, दिखाओ मीडियम में कोई दिखाओ, हाँ कितना तोला है इसमें, ऐसे दिखाना पकेट, दिखाना नीचे 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 से उठाना, नीचे से उठाना पड़ेगा ना, हाथ वहां से नहीं लगाते ना, देखना पीयूष अगर इससे सुपर सुपर यही है क्या, ये मीडियम में क्या है, और सेकंड में कितना रुपए तोला है, तो 8,000-9,000 और कौन सा, तो उसमें क्या मतलब, नीचे तो बहुत मंदा मिलता है, नीचे वाला देखो ये था दो वाले चाहिए, अच्छा वो अलग है, मैं क्या बोल रहा हूं, नीचे तो बहुत मंदा मिलता है, वैसे हम यहाँ पे बैठ गए, गांव वाले देखेंगे तो कुछ बोलेंगे नहीं क्या, नीचे तो फिर हमें छूने भी नहीं दे रहे थे, नहीं बैठने देते ना मेरे, अच्छा अच्छा ये कितने रुपए तोला ये वाला, ये पड़ेगा आपको 3,500 3,500 तोला ना, और ये पड़ेगा मतलब 8,000-9,000 रुपए तोला है, नीचे तो यार बहुत मंदा मिलता है, यहाँ इतना महंगा भी है, वैरायटी अच्छा होता है ना, वैरायटी की वजह से ना, हां बताओ अच्छा अच्छा वैरायटी ना, जैसा मतलब यहां माल है ना, वो बनाते भी है यहां के लोगों को इस चीज के बारे में ज्यादा आईडिया नॉलेज ज्यादा है, बिल्कुल ओरिजिनल माल निकालते हैं ना, नीचे का माल तो देखो पोलैंड में लाते हैं, अच्छा अच्छा तो ओए आराम से देते हैं, खुद कई बार क्या बोले दोस्तों को फेंकना भी पड़ा क्या, अच्छा मतलब नीचे तो बेकार मिलता है इसका मतलब है, हाँ इसीलिए ये इतना महंगा है, हमने सुना था यहाँ पे बढ़िया है, वैसे कस्टमर तो बैठ बैठ छू सकते हैं ना, कस्टमर को तो कोई दिक्कत खोल के बैठो इधर बैठो, घर घर के अंदर तो नहीं ले जाओगे, घर के अंदर भी ले जाओगे,
अच्छा 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 जाति वाति की वजह से ना, अगर आपकी जाति का होगा तो जा सकता है फिर। राजपूत, राजपूत तो जा सकते हैं ना, ठाकुर राजपूत तो जा सकते। तो हमारा जाति का तो बहुत कम लोग। अच्छा, अरे क्या बात करते हो यार, अरे हाँ मेरे साथ चलो गाँव, तुम्हें तुम दिखाऊंगा कैसे बड़े बड़े घेर पड़े हमारे ठाकुरों के राजपूतों के। हाँ वो सही है, सही है। तो नीचे रखो इसको, तो मैं नीचे रख लेता हूँ। यही है आपके पास क्वालिटी? अच्छा और सस्ता, सबसे सस्ता बताओ ना। 2000 तोला ट्रैवलिंग का खर्चा ही है, ये भी महंगा तो है यार। एक एक क्या करें यार, महंगा तो हो गया। देखो चीज निकालना है तो प्राइस तो देखो ये तो नहीं। मतलब अगर माल अच्छा है तो महंगा तो होगा ना। कोई आदमी कच्चा ना पड़ा है, अच्छा कच्चा नहीं ठीक है, मतलब किसी ने पैसा नहीं है। ओ पीने वाला तो पकड़ लेगा ना यार। तो भाई अभी आपने देखा होगा यहाँ पर माल कैसे खरीदा जाता है और कैसे बेचा जाता है, मतलब ऑन द कैमरा तो नहीं, बस ये कि तुम लोगों के लिए हम सब ये रिस्क ले रहे हैं भाई बहुत ज़्यादा। वैसे अधिकतर घर भाई यहाँ पर ओल्ड है, लेकिन जिन लोगों के पास काफ़ी पैसा आ चुका है उन लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे घर बना लिए, लेकिन सब ने अपने घरों के पास में लकड़ियों का एक काफ़ी अच्छा स्टॉक रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मतलब बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, लेकिन अभी बर्फ़ इतनी नहीं पड़ रही है और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए भाई इन्होंने पहले ही अपने स्टॉक के लिए लकड़ी वकड़ी अपने काम के लिए जमा करके रखी हुई है। तो गांव के अंदर जो स्कूल है वो अभी हमें देखने के लिए मिल चुका है भाई, स्कूल क्लास 12 तक ही। देखो ये है भाई इस गांव का स्कूल, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्कूल का नाम कुछ इस प्रकार है। और देखो अंदर से भाई स्कूल बिल्कुल खाली पड़ा है, और मुझे ऐसा भी लगता है भाई इस गांव के जो बच्चे ना उनका पढ़ाई में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, स्कूल अंदर से तो खाली पड़ा है, बाहर देखो बस टीचर देखो 4-5 बच्चों को पढ़ा रही है देखो वहाँ पे। तो यहाँ तक मुझे लगता है भाई इस गांव के बच्चों के अंदर मतलब पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी नहीं है, खाली एक गाँव के अंदर मतलब एक सबसे बड़ी बात पता क्या है, मतलब यहाँ पर अगर हम दुकान से सामान ले रहे हैं ना तो भाई सामान पैसे वैसे नीचे रखने पड़ेंगे और सामान भी नीचे रखा जाएगा, ये हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। भाई देखो दुकान से सामान कुछ इस प्रकार लिया जाता है, जो दुकान का मालिक होता है ना वो ऐसे सामान को नीचे रखता है और हमें भाई पैसे नीचे रखने पड़ते। अभी हमारे अमन भाई पैसे नीचे रखेंगे, ये देखो भाई ये इसने पैसे नीचे रख दिए, अब भैया जी भाई पैसे उठाएंगे। तो यहाँ पर दुकान से भाई बाहरी लोगों का लेन देन कुछ इस प्रकार होता है, जो शॉपकीपर होता है भाई वो सामान को नीचे रखता है और जो लेने वाला होता है भाई वो पैसों को नीचे रखता है, उसके बाद नीचे से उठाते हैं कुछ इस तरीके का। भाई देखो अनटचेबिलिटी यहाँ पर कुछ इस तरीके की है। भैया जी जो मतलब बाहर के लोग होते हैं वो दुकान के अंदर तो एंटर नहीं हो सकते ना, तो ऐसा क्यों है? मतलब क्योंकि देखो पैसों का तो हमने हाथ लगाया था, तो ऐसा क्यों होता है थोड़ा बताओगे? क्योंकि पैसे तो जेब में रहते हैं, हमारे हाथ में रहते हैं, और नीचे रखने से तो क्या ही हो जाएगा ना। चलो दुकान के अंदर तो नहीं आ सकते, मैं तो पैसे के बारे में पूछ रहा हूँ, जैसे कि पैसे हमारे हाथ में रहते हैं, जेब में रहते हम नीचे रखते, पैसे तो हमारे हाथ ही लगे हुए होते हैं ना, तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? नहीं यार तो छूना नहीं पड़ता। अच्छा बस हाथ नहीं छू सकते, बाकी सब कुछ पैसे वैसे को सामान वामान कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा तो ऐसा सीन है यहाँ का ना, ठीक है। अच्छा हाथ धो, अगर हम आपको हाथ लगाएंगे तो हाथ वाथ धो के तब आप दुकान बैठेंगे, ठीक है? ठीक है तो भाई आपने देख लिया यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम है, मतलब दुकान वकान से अगर बाहरी लोग सामान ले रहे हैं तो भाई बाहर से ही सामान को नीचे पीछे रखते हैं, पैसे वैसे नीचे रखते हैं, दुकान के अंदर भी एंटर नहीं हो सकते। बहुत तगड़ी अनटचेबिलिटी, बहुत तगड़ी अनटचेबिलिटी है भाई अभी भी। काफ़ी सारा लेंगे तो कम में मिल जाएगा, किलो कहाँ ले पाएंगे? तो एक तो जाएगी यार, क्या बात करते हो, किलो तो ले जाते होंगे बाहर ही लोग हैं ना, बाहर के लोग ले जाते हैं। चार टी क्या, 5 टी 10 टी 10 टी टी मतलब एक टी कितना ग्राम लेना है? लेना क्या लास्ट कितने ग्राम देते हो? 10 ग्राम देता है ना, 10 ग्राम यानी कि 10 ग्राम कितना होगा उसका? 1 तोला भाई 10 ग्राम। अरे महंगा ही पड़ेगा फिर, कितना कितना बोला? 3500 कितना बोला मतलब 10 ग्राम? 4000 दो हज़ार का, दो हज़ार डालो हो गया।
अभी आगे जाएंगे घूमने उधर मणिकरण से आगे साइड ना, तो आते तो कचड़ा मिलेगा वो क्या। अरे मौलाना आया यार, अच्छा माल तो मौलाना का ही है। अच्छा सबसे टॉप यहीं का है वर्ल्ड में, फेमस दर्द होगा फिर इससे पी के, पता है। अच्छा क्या होता है? सिर में दर्द आएगा फिर मिक्स। इंडिया से तो लोग दौड़ते हैं, बाहर से भी लोग दौड़ते हैं इधर। अच्छा लेने के लिए बाहर से भी आते हैं ना। ओके जाओ जा फिर रास्ता पकड़ो। ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा आपका मेन मंदिर कौन सा है? ये सब मंदिर है सारा है। अच्छा ये सब मंदिर ही है? मंदिर है आपके? हाँ जितने भी ये गोल चक्कर है ना ये पूरा मंदिर है। हम तो रास्ते रास्ते से ही जा सकते हैं, इधर उधर टच नहीं, सीधा जाओ एक ही रास्ता है, जाओ जाओ। और ये क्या है? ये अदालत है। अदालत? अरे हाँ एक कैसा थोड़ा बताओ ना, मतलब बताना क्या इसमें फैसला होता है? तुम मतलब खुद ही करते हो फैसला? हाँ, जैसे कोई लड़ेगा झगड़ेगा तो उसका फैसला इधर होगा, जो गलत होगा उसको डिग्री दिया जाएगा। अच्छा कैसे वो कैसे तो फैसला कैसे करते हैं मतलब? तो फैसला ऐसा ना भाई, नुकसान देना पड़ेगा जिस आदमी ने ज्यादा गलत किया। फाइन वाइन पैसे? हाँ पैसे देने पड़ते। अच्छा और फैसला कौन करता है? यहाँ पे गाँव मेंबर है ना 10-12 बंदे। अच्छा अच्छा बंदे वो लोग ही फैसला करते हैं। अच्छा जैसे कोई चोरी वोरी कर लिया? नहीं हम तो सीधे ही जाएंगे, हमको कौन सा पैसा देना है? नहीं नहीं हम टच नहीं करेंगे। ठीक है जाओ फिर। अभी ये मंदिर है आपका? मंदिर के बारे में कुछ बताओ। नहीं आगे नहीं आएंगे हम, समझ हमें पता है, हम समझ चुके हैं बस। इससे पीछे रहना है ना। ठीक है चिंता मत कीजिए। क्या मंदिर का मतलब? फोटो ले लो आपका फोटो से लो, आपका फोटो लेते बहुत बढ़िया लग रहे हो। अरे ठीक है चिंता मत करो। थोड़ा आप मंदिर के बारे में बताओ ना, कि क्या किन की पूजा करते हो आप? अच्छा जमदग्नि ऋषि जी की पूजा करते हैं। और मतलब कोई बाहर का व्यक्ति क्यों नहीं छू सकता है मंदिर को? वही तो पूछ रहे, जैसे कि आप बुजुर्ग हो, आपको तो पता होगा ना क्यों नहीं छू सकता? स्थानीय लोगों का काम होता है, बाहर के लोगों का काम जाने पूछाने नहीं है। हाँ क्या होगा जात क्या पात होगा? अच्छा इनके बारे में हम सबको टच नहीं करना, होते हैं चुने हुए। अच्छा हम भी नहीं जाते। अच्छा आप लोग भी नहीं जाते मंदिर के अंदर? हम फालतू नहीं जाते, जो काम करने वाला आदमी जाता है, जो पूजा पाठ करते वो जाते होंगे ना। जो अगर कोई बाहर का राजपूत हो ठाकुर हो वो जा सकता है? कोई नहीं जाते। अच्छा चुन के अंदर भेजते हैं, वरना देवता गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा ऐसा ठीक है ठीक है। आप अच्छा आप खुद नहीं जाते हो तो हम ये बात है। ओ जिसको काम दिया वो ही जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा यहाँ के लोग अपने मतलब जैसे कि हम लोग कुछ काम वाम करते, कुछ भी नौकरी वोकरी करते, तो यहाँ के लोग अपने जीवन चलाने के लिए क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी के लिए तो इतनी जमीन वमीन भी नहीं है ना यहाँ पे है। अच्छा पहाड़ी इलाके में तो थोड़ा मतलब मुश्किल रहता है ना खेती वेती करना। फसल बीजते हैं, क्या क्या लगाते हो? आलू बीजते हैं, राजमा बीजते हैं, कद्दू बीजते हैं, कणक बीजते हैं, मक्की बीजते हैं। अच्छा और सब्जियां आपने क्या? सूर्यारा। तो खेती वेती से ही अपना जीवन चलाते हैं यहाँ के लोग हैं। सही है सही है, यही अपना कारोबार यही सब बनना। भेड़ बकरी पालना पैसा है यहाँ। अच्छा गाय पालना यही काम है, यही काम। चलो सही। और क्या करना? हाँ पहाड़ों में तो यही सब हो सकता है, खेती वेती कर लिया, पेड़ वेड़ पाल लिया ना। मेहनत किया जाए तो सब कुछ बनता है। हाँ ये तो बात है, मेहनत किया जाए तो सब कुछ होता है, तो इसी से सब अपनी दिनचर्या चलाते हैं यहाँ के लोग हैं। अच्छा है अच्छा है। ये क्या कर रहे हो आप? ये कोट के लिए धागा तैयार कर रहे हो? कुछ इस तरीके से करते हुए इसको पूरे धागे को ऐसे ही करोगे और फिर ये कोट खुद ही बनाओगे? अरे वाह ये तो बहुत महंगा होता होगा। 10,000 में एक कोट ऐसा बनेगा?
कुछ ऐसा ऐसा जबरदस्त वाला बनेगा। ना ना मैं 10,000 का कोट पहन के क्या करूँगा। हाँ लेकिन 10,000 में तो हमारा ऐसा कोट मिलेगा तुम लल्लन टॉप लोगे पहनते ही। लेकिन लल्लन हाँ कीमत तो ठीक है। अच्छा गरम होते लेकिन वो जो 10,000 का कोट पहन लोगे ना हमारे वाला लल्लन टॉप लोगे पहनते ही एकदम। गांव के पहचानेंगे नहीं तुम्हें कि तुम यही मलाना के हो या बाहर के हो। क्या से कोट के बारे में पूछ रहे ना। हम मौलाने को भी बाहर भी जाते हैं। हाँ वो तो हमने देख लिया कल कुल्लू गए थे आप। कुल्लू गए थे कोलकाता भी जाते हैं। कोलकाता भी जाते हो। मायापुर जाता है। मायापुर जाते हो। दुनिया में देखे हुए दिल्ली जाता है। तो बाहर जैसे कि तुम बाहर जाते हो बाहर जाके कैसा लगता है तुम्हें। ठीक लगते है सर जितना यहाँ मौसम ऐसा नहीं। हाँ बहुत बदल गया ना बाहर तो। बाहर तो मैं यूपी से हूँ। क्या भैया जी यूपी यूपी प्रॉपर यूपी मुजफ्फरनगर। हाँ 10 साल तक टिकता है ये इसी ये बात है। 10 साल अच्छा 10 साल टिकेगा एक और। लेकिन लोग फिर ऐसा बोलेंगे तेरे पास एक ही जैकेट है यार क्या तेरे पास और कपड़े नहीं है। हमारे वहाँ हमें तो जैकेट का कीमत पता है कितना है। कितना है 15,000। अभी 10,000 बोल रहे थे दादा। ये तो ये है ना हाफ वाला। अच्छा वो फुल वाला 15,000 है। तो भाई बात बताओ मतलब यहाँ के लोगों को अलेक्जेंडर का वंशज बताया जाता है इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप। अलेक्जेंडर का वंशज बताया जाता है आप लोगों को। नहीं नहीं हम भी हिंदू यार वंशज वंशज बता देना। अकबर की पूजा करते हो आप। ये मतलब नहीं मिलते है भाई। क्या ये मतलब नहीं मिलते मतलब ये हम भी हिंदू ही है भाई। हाँ अरे वो तो हम बोले राजपूत और राजपूत तो हिंदू ही होते हैं वो तो हमको पता है भाई। मैं तो पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे ही हम गूगल पर डालते ना मलाना तो एकदम से आता है ये सब कि अलेक्जेंडर के वंशज और अकबर की पूजा करते। अभी फागुनी क्या था फागुनी फेस्टिवल है ना उस पे करते हो ना अकबर की पूजा। नहीं 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 करते हो। अच्छा या बताते नहीं हो। नहीं नहीं अच्छा कोई नहीं दादा बहुत बात पूछ रहे हैं आप लोग। क्या आप कोई पत्रकार है। हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं बोलो ना हम नहीं। आप फुटू ले लो मंदिर को पूछो। आप फले से पूछ रहे वीडियो बना रहे है माल चाहिए क्या है ये वो है। हाँ मिलेगा वीडियो बनाते जा रहे हैं सबके सामने सबको वीडियो आपने बनाया सबका जो करू वीडियो बंद करू बंद कर दिया दादा। ठीक है दादा ठीक है चिंता मत करो यार बुरा मान गए आप। क्या जो कुछ पूछते है ना वीडियो बनाते जा रहे हैं अनपढ़ लोग जो कुछ दे रहे हैं। नहीं नहीं अनपढ़ कौन है पागल है सारे लोग अनपढ़ है भाई। गंदगी कितने हैं यहाँ पर। हाँ वो तो है वो तो है उनको गंदगी को सफाई करने दो। आप पत्रकार है तो भेजो ऐसे बुजुर्गो को पूछ रहे तंग कर रहे हैं आप। अरे नहीं तंग नहीं कर रहे गांव के बारे में जान एक शब्द को बार बार पूछेगा तंग नहीं कर रहे सरकार कितने बार बारे में आज फिर वही बात पूछ रहे इनसे ही क्या जानकारी चाहिए गांव के बारे में। बस नहीं हम तो पता ना जब हमने गूगल पे सुनो जब गूगल पे हमने मलाना डाला ना तो बहुत सारी बातें निकल के आई। सुनो ठीक है बहुत सारी बातें है जैसे कि अलेक्जेंडर का वंशज बताते हैं अकबर की पूजा करते हैं ये सब हमने देख हम देख हम कहीं भी जाते ना घूमने के लिए बहुत अच्छी तरीके से झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रहे हैं उनसे पूछो इसीलिए तो हमारे पूछो जो वीडियो बनाते हैं उनको पूछो वो तो मुस्लिम होते हैं ना वो तो मुस्लिम में आ गया ना वो तो। अच्छा ये वही था ना अकबर भी मुस्लिम है ना। हम तो सारे ठाकुर है राजपूत और हिंदू है। ठीक है ठीक गुस्सा मत हो दादा ठीक है जा रहे हैं ना। नहीं नहीं कोई गुस्से हमसे कोई गलती हुआ माफ करना हमें जब तक मैं क्या है ठीक है दादा गुस्सा मत हो ना माफी चाहेंगे। नहीं नहीं आप पत्रकार है तो जाओ पत्रकार गुस्सा हूं। नहीं ऐसा गंदगी है कहां से आप अरुणाचल प्रदेश यूपी से ये अपना ही कमी को देखते हैं। पहली बार आया हम तो चाहते हैं ना यहाँ भी थोड़ा रोड बने अच्छा हो
रोड क्या है इतना हमारा खराब रोड है, इसको नहीं सही करते क्यों नहीं बनाते भाई, क्या रोड बने, क्यों नहीं बनाते, मतलब आप रोड बना है वो ही नहीं है, सरकार भी ऐसा ही है ना, सफाई तो पत्थर गिर रहे हैं हमारे वहाँ, तो सरकार भी मतलब रोड रोड के लिए नहीं बना जाने वाले, सफाई के लिए भी कुछ नहीं मिलता ना, चलो से उपाय तो भाई मिलता नहीं है ना, मंत्री हो हम भी ढीले हैं थोड़ा, आप क्या उपलब्ध करनी है, चलिए चलिए हम बाहर जाके बताएंगे ना पत्रकारों को, बताएंगे मंत्री तो आपका अच्छा होगा ना गाँव के, यहाँ के बड़े बड़े मंत्री जाओ बताओ, फिर हमारे को टॉर्नामेंट कुछ भी नहीं है बताओ, अच्छा चाहते तो होंगे ना आप डेवलपमेंट, चाहते सड़क, जैसे कि गांव तक सड़क आए, गांव के अंदर गंदगी ना आए, नहीं नहीं गांव तक नहीं होना चाहिए ना, सड़क देवभूमि है हमारा देवभूमि, अच्छा मतलब खुद ही नहीं चाहते, देवता नहीं चाहते, अच्छा अच्छा आपने कोशिश किया था रोड बनवाने का ना, रोड बनवाने का कोशिश तो किया था, कोशिश किया है देवता मने करते हैं ना, तो इसीलिए नहीं बनवाना चाहते ना, हाँ भाई हाँ तो सही है, जब देवता मने करते तो फिर सोचो ना भाई, ये रोड इतना खराब है, ये भी नहीं अच्छा बना सकते, क्या रोड देगा ये, कहाँ देगा, तो दोनी ये पत्थर भी खुद ही काटते हैं, खुद ही काटते हैं भाई, खुद ही भाई, ये भी खुद, वो भी तो है बहुत, आप लोगों ने मीट काट का मील भी है ना इधर, काट का मील, काट मील वो क्या, ये जो चीटते है ना मशीन, मशीन मशीन, और क्या मशीन है, मैं तभी तो बढ़ते हैं सब, कहाँ से बोलूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, गाँव की खास बात क्या है, खास बात तो मौलाना है, मौलाना है, खास सेठ का लड़का उसको बोल रहे भाई, सेठ का लड़का आप ही है, हाँ ये भी सेठ का लड़का है, क्या बढ़िया है, ये सब कुछ नहीं भाई, ये तुम्हारी क्या है, ये तो हमारे वहाँ भी चलता है भाई, दबा के माल वाल, हमारे वहाँ भी दबा के चलता है भाई, ये तो माल वाल नहीं, नहीं हमने कब बोला चलता है, ठीक है टेंशन, अरे हाँ मोबाइल भी छीन सकते हो, ठीक है भाई फिर तो भागते भाई यहाँ से भाई, मोबाइल नहीं, हाँ बात सही है भाई, मोबाइल छीनोगे भी हम तो तुमसे ले भी नहीं पाएंगे, छू ही नहीं पाएंगे, चल लेना बैग, अरे बैग भी छीन लोगे, चलो भाई चलो मन, भागते भाई जी भागते, ठीक है तो भाई देखा आप लोगों ने, मतलब जब भी कैमरा ओपनली लोगों से बात कर रहे थे तो वे कैसे गुस्सा हो जा रहे थे, कुछ भी अगर उनसे पूछ रहे थे ना भाई बिल्कुल भी सही जवाब नहीं दे रहे थे, क्योंकि भाई कैमरा ओपनली यहाँ के लोग बिल्कुल भी बात नहीं करते, अमन तुमने जब लोगों से पूछा भाई कितना गुस्सा हो जा रहे थे ना, हाँ यार कैमरा बंद करो, और किसी ने तो बोला भाई मोबाइल छीन लेंगे, मारेंगे, बैग भी छीन लेंगे, भाई डरावना भी लग रहा था बहुत, लेकिन आप लोगों के रिस्क के लिए भाई हमने ये सब किया भाई, माल वाल वैसे हम भाई बिल्कुल भी नहीं पीते ना, माल वाल हम खरीदते, वो आप लोगों की वजह से भाई हमने सोचा क्यों ना भाई थोड़ा सा रिस्क लेके देखा जाए, जो होगा देखी जाएगी, मार वार पड़ेगी वो भी देखी जाएगी, लेकिन खैर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम थोड़ा कैमरे को हाइड करके तब उस चीज़ को शूट कर रहे थे, अगर ओपनली शूट करते तो ना भाई वो माल दिखाते और ना भाई हमें कुछ बताते, हाँ भाई क्योंकि यहाँ पे भाई कैमरा खोलते सारा कुछ बंद हो जाता और कुछ बताते ही नहीं लोग, बिल्कुल भी नहीं बताते, इसलिए भाई पूरा हाइडली काम किया हमने, ताकि आप लोगों को दिखा सके कि यहाँ के लोग भाई किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है, चाहे ये लोग कुछ भी कहते रहे भाई खेती वेती क्या, कितनी खेती होती है भाई, कुछ भी ज़मीन नहीं है, डायरेक्ट पहाड़ है भाई, थोड़ा बहुत गेहूँ में बोल रहे थे, क्या उसमें गाड़ी घोड़ा आ जाएगा, क्या बोलते हो ना, पतला रोड है तो मतलब ये बोलते ना कि खेती वेती के ऊपर डिपेंड है, भाई ऐसा कुछ नहीं, खेती वेती के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं, ये गांव पूरा का पूरा सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड है भाई, वो है माल और क्रीम, सिर्फ क्रीम के ऊपर डिपेंड है, बिल्कुल आपने देखा होगा, मतलब जो अपार्ट वो क्या बोलते सुबह लोग उठकर अपने अपने हथियार लेके जा रहे थे पहाड़ों पर खेतों में,
वो पीछे लगाते भाई खेत वेत, यहाँ ओपनली स्टार्टिंग में नहीं लगाते। और ये बोलते कि जो ये सड़क है जिससे अभी हम चले 2 किलोमीटर का ट्रैक है, ये मतलब देवता नहीं चाहते कि ये पूरा सड़क बन के आए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता भाई, देवता भाई क्यों मना करेंगे भाई, आप लोगों की सुविधा के लिए आप 2 किलोमीटर का ट्रैक करके आ रहे हो। अगर सड़क बनेगी तो मस्त अपना गाड़ी यहीं तक गाँव तक ही पहुँचेगा, क्यों नहीं भाई। हाँ तो भाई कोशिश करो यार कुछ ऐसा हो। तो वैसे जो अब की जनरेशन है वो धीरे धीरे बदल रही है, उसकी थिंकिंग भी बदल रही है। तो जहाँ तक हमें लगता है कुछ टाइम बाद बहुत कुछ बदल चुका होगा इस गांव के बारे में। बाकी देखिए मलाना गांव ये कुछ ऐसा है भाई अभी भी। तो मलाना गांव से तो भाई नीचे आ चुके हैं। और भाई अगर मैं बात करूँ, अगर आप भी यहाँ पर आना चाह रहे हो भाई माल वाल खरीदने या घूमने के लिए, जो भी आपका तात्पर्य हो, तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर आ सकते हो। आपको बस कुल्लू पहुँचना पड़ेगा। और कुल्लू से भाई ठीक 6 से 7 किलोमीटर के पास में भाई एक बुंतर नाम की जगह है, जहाँ से आपको मतलब बस मिल जाएगी जीरी के लिए। और जीरी से भाई डायरेक्ट रास्ता मलाना के लिए आता है। आप जीरी से मतलब आप टैक्सी वैक्सी कुछ भी करके आ सकते हो, 1000 रुपये में टैक्सी हो जाइए। जब आप मलाना आओगे तो मलाना में स्टार्टिंग में भी आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा, और मलाना गाँव के बाहर भी रेस्टोरेंट कैफ़े मिल जाएंगे, जिस पर रुकने के लिए कोई ज़्यादा पैसे वैसे देने नहीं पड़ते। बस हाँ थोड़ा खाना एक्सपेंसिव है, बाकी रुकने के लिए इतना नहीं है। 800 रुपये में 3 लोग आराम से रह सकते हैं। और अगर डोरमेट्री में रहना है तो 200 रुपये पर पर्सन भी आराम से रह सकते, कोई सी बात नहीं है। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं वाइचिंग, एक बहुत सुंदर वैली है। देखो ऐसे रास्ते से जाएंगे, और ये रास्ता, ये जो मेन जहाँ पर देखा ना आपने गाड़ी खड़ी है, तो ये रास्ता जाएगा भाई वाइचिंग वैली, जो कि बहुत सुंदर है। तो अभी वाइचिंग वैली के लिए निकलते हैं अभी यहाँ से नीचे उतर के। और भाई एक सबसे बड़ी बात थी जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई थी, मतलब हम इस गाँव में जाने के लिए भाई बहुत डर रहे थे, उसका रीज़न बहुत अलग था। पता है क्या, ये हमारे भाई साहब अमन भाई साहब लास्ट टाइम अभी 6 महीने पहले आए थे हम यहाँ पे। हाँ। और 6 महीने पहले भाई जो वीडियो अपलोड की थी भाई 3 मिलियन व्यूज गए थे उस पर, तो हमको लग रहा था कि ये लोग हमें पहचान लेंगे और मारेंगे भाई। इस चीज़ का हमें बहुत डर था, क्योंकि मेरी वीडियो पे भी भाई 3 लाख व्यूज गए हुए थे उस पर। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं ना डेली, कभी कोई, तो इसलिए इतना मतलब पहचाने वाली कोई बात ऐसी नहीं थी, और ना इतना डर लगा। अमन तुमको क्या लग रहा था, डर लग रहा था तुमको? हाँ यार, क्या बच गए हैं? हाँ बच गए हम तो भाई, बच के आ गए वापस जिंदा। फिर ठीक है भाई। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं भाई मलाना गांव से वापस निरांग, जहाँ से भाई मलाना गांव का ट्रैक स्टार्ट होता है। देखिए कितना सुंदर लगता है नीचे से वैसे मलाना गांव, और ये है इधर निरांग, यहीं से भाई मलाना गांव का ट्रैक स्टार्ट होता है। और इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको फिर एक अच्छी वीडियो के साथ। एक बार बताना जरूर यार आपको मलाना गांव देखकर कैसा लगा, वहां का जो मतलब रूल रेगुलेशन है वो सब आपको देखकर कैसा लगा। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको फिर एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ऐसे सपोर्ट बनाए रखो और सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताओ जरूर यार, वीडियो को लाइक किए बिना तो जाना ही मत। ठीक है, मिलते हैं आपको फिर एक अच्छी वीडियो के साथ।